आइए मित्रों, जो है आप हम लोग जो है राष्ट्रपति में जो है अभी इसके पहले हम लोग ने अध्यादेश जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के विषय में देखा। अब हम देखते हैं जो है ये कार्यपालिका से उसकी जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो संविधान में जो है राष्ट्रपति की जो है कई प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। तो हम लोग जो है क्रमशः एक एक शक्ति के विषय में जो है कि राष्ट्रपति जो है संविधान में जो उसकी शक्तियों का वर्णन है, तो एक एक शक्ति जो है जो उसकी है उसका जो है कैसे प्रयोग करता है, क्या क्या शक्तियाँ संविधान में राष्ट्रपति को जो दी गई हैं, इसके विषय में हम लोग है जो मिल करके चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, तो इसकी चर्चा जो है हम लोग राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो है करते हैं। ठीक है, तो आइए मिलके जो है देखते हैं कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो है। सबसे पहले संविधान में अनुच्छेद 53 के विषय में आप लोगों ने पहले ही जो है आप लोग पढ़े थे। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि इस शक्ति का प्रयोग स्वयं जो है जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी वह उस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति जो है अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अनुच्छेद 53। फिर आगे हम लोग देखते हैं जो है 77, अनुच्छेद 77 जो है वो कहता है कि जो है संघ के जितने भी कार्य हैं, केंद्र सरकार के जितने भी कार्य हैं, वो सारी के सारे कार्य किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से। तो 53 में हम लोग देखे उसकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा। 77 कहता है कि संघ के सारे कार्य यानी केंद्र सरकार के सारे कार्य किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। एवरीथिंग, सब कुछ जितने भी कार्य हैं जो है संघ सरकार के, वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, अनुच्छेद 77। 78 ये कहा गया है अनुच्छेद 78 में कि राष्ट्रपति को संघ के किसी भी कार्य का, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, कार्यपालिका के द्वारा किया गया कोई भी कार्य की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 77 सारे कार्य जो होते हैं संघ के वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और साथ ही ये याद रखना है कि जो है 78 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि जो है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंदर अनुच्छेद 74 बहुत ही महत्वपूर्ण, मंत्रिपरिषद का गठन। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो हम लोग जो है 53 में देखे क्या कि राष्ट्रपति के जो कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं वह स्वयं करता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। उसके बाद संघ सरकार के या केंद्र सरकार के सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से, अनुच्छेद 77। 78 में वो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है उसे, जो है सूचना का मतलब ये है कि संघ की कार्यपालिका द्वारा किया गया किसी भी कार्य के विषय में वो जानकारी हासिल कर सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है। और अनुच्छेद जो है 74 के अनुसार वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो है संघ सरकार में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो सारी नियुक्तियां कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। जितनी भी नियुक्तियां संघ सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो सारी की सारी मैक्सिमम नियुक्तियां कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं किसकी किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सब कार्य किसमें आएंगे, जो है राष्ट्रपति के जो है कार्यपालिका शक्ति के विषय में आएंगे। कार्यपालिका जो है संबंधी कार्य क्या होता है उसमें के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उसके बाद जो है सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति,
निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, एससी आयोग, ओबीसी आयोग, एसटी आयोग, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन सभी आयोगों के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए जो है उसके बाद जो है वित्त आयोग, बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो फिर से ये एक बार देख लीजिए इसको, वित्त आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, एससी एसटी और ओबीसी आयोगों का गठन, ये सब कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सभी राज्यों में राज्यपालों को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो सारे जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि पद से हटाने का, पदच्युति यानी पद से हटाने का भी कार्य, कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति का है। जैसे राज्यपालों का जो है स्थानांतरण करना हो, या राज्यपालों का को उनके पद से हटाने का जो कार्य है ये कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को जो है पदच्युति यानी पद से हटाने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति का कार्य भी राष्ट्रपति और पदच्युति का कार्य भी अगर पूछे तो राष्ट्रपति जो है कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के। अब हम आते हैं जो है अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। राष्ट्रपति जो है केंद्र और राज्यों के मध्य एक अच्छे संबंध के लिए, केंद्र और राज्यों के मध्य एक अच्छे संबंध के लिए भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो ये भी कार्यपालिका संबंधी कार्य है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी कार्य में भारत में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। यानी भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक, लेकिन साथ ही ये सब महत्वपूर्ण चीज तो है, लेकिन आपको एक बात और याद रखना है, वो ये है कि ये जितने भी कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं यह राष्ट्रपति किसके परामर्श पर? मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। किसके परामर्श पर? मंत्रिमंडल के परामर्श पर। जितने भी कार्य आपको गिनाए गए हैं ये सारे कार्य जो है मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। तो एक बार हम लोग पुनः इसको देख लेते हैं, जो है अनुच्छेद 53 यानी वह अपनी कार्यपालिका संबंधी कार्य को जो है अपने से या अपने जो है स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। उसके बाद जो है 77 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। 78 में उसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और 74 में वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। भारत में संघ सरकार में जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं सब राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। उसके बाद राज्यपाल या अन्य जो बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये आपका महान्यायवादी है, प्रधानमंत्री भी उसी के जो है प्रसाद पर्यंत बनता है। तो ये सबको पदच्युति करने का अधिकार भी किसे है? जो है राष्ट्रपति को है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो है केंद्र और राज्यों के मध्य एक अच्छे संबंध और स्वस्थ संबंध विकसित हों और अनुसूचित कोई भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर देता है। कौन? राष्ट्रपति। और ये सभी कार्य जो है कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? तो जो है मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। अब हम उसकी विधायी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के विषय में देखते हैं। ठीक है, तो उसकी विधायी शक्तियाँ जो है, विधायी का मतलब होता है विधान। ठीक है, तो जो है संघीय कार्यपालिका का वो संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, साथ ही वह संसद का अभिन्न अंग होता है। आपने देखा होगा कि संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा।
ठीक, तो संघीय जो संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। संसद का अभिन्न अंग है कौन? भारत का राष्ट्रपति, अभिन्न अंग अनुच्छेद 79 के तहत। तो उसकी जो विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उसमें हम देखते हैं कि संसद को बुलाने का जो है, संसद के अधिवेशन को बुलाने का अधिकार है। जो संसद के अधिवेशन होते हैं उनको बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को। सत्र को सत्रारंभ या सत्रावसान, सत्र जो होते हैं जैसे साल में 3 सत्र होते हैं, तो उनको बुलाने का भी अधिकार और उनको सत्रावसान करने का भी अधिकार किसे है? संसद को, राष्ट्रपति को है। लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा को भंग भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो सत्रारंभ या सत्रावसान, ठीक है, उसके बाद जो है संसद के अधिवेशन को बुलाने का अधिकार और लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी किसे है? राष्ट्रपति को। ये सभी जो शक्तियाँ हैं ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। आम चुनाव के बाद जो है, आम चुनाव के बाद लोकसभा को जो संबोधन करता है ये भी राष्ट्रपति करता है, और संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के मध्य जो है सही साल में जो है एक बार संयुक्त बैठक करा करके, हर साल जो है दोनों सदनों की एक संयुक्त अधिवेशन करा करके उनको सामूहिक रूप से जो है संबोधित करता है। तो संयुक्त संबोधन भी अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति करता है। संयुक्त अधिवेशन यदि लोकसभा द्वारा या विधान राज्य सभा द्वारा पारित किसी विधेयक में मतभेद पैदा हो जाता है और विधेयक पास होने में समस्या आती है, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला करके उस विधेयक को पास करा देता है। तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। साथ ही जो है अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारती को नियुक्त करने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को। ये भी उसकी एक विधायी शक्ति है। साथ ही अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में, लोकसभा में तो 12 है लेकिन राज्यसभा में, लोकसभा में सॉरी जो है लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को, राज्यसभा में कितने? 12, जो साहित्य खेल विज्ञान जगत से संबंधित हों उनको नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। ये भी विधायी शक्ति, यानी जो है लोकसभा और राज्यसभा में, जो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो उसकी विधायी शक्ति है। साथ ही विधेयक जो है, बहुत सारे विधेयक जो होते हैं, आपको पता है कि जब राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, जब राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अब कोई भी विधेयक लोकसभा द्वारा फिर बाद में राज्यसभा या राज्यसभा लोकसभा द्वारा जब पारित हो जाता है, तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के साइन के, बिना राष्ट्रपति के दस्तखत के वह कानून नहीं बनता है। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और यह उसकी विधायी शक्ति है। यह उसकी क्या है? विधायी शक्ति है। तो जो है कोई भी विधेयक जो है संसद द्वारा जब पास होता है, उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति, या जैसे ऐसे समझिए इसको आप, इस एकदम साधारण भाषा में समझिए कि कोई भी विधेयक जो होता है जब संसद से पास होता है, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति उस पर जो है अपना साइन करते हैं, तभी वो कानून बनता है। ठीक, दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो विधेयक संसद में लाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाए जाते हैं, और कुछ ऐसे विधेयक हैं जो कि जो विधेयक जब पास हो जाता है तब राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से विधेयक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाए जाते हैं। तो हम देखेंगे जो है पूर्व अनुमति से, धन विधेयक, पहले ही राष्ट्रपति का उसमें परमिशन लगता है। दूसरा, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों के नाम सीमा इत्यादि में परिवर्तन, ठीक है, संचित निधि से धन निकालना हो, भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई विधेयक हो, कर लगाने वाला कोई विधेयक हो, और व्यापारिक स्वतंत्रता में कमी लाने वाला कोई विधेयक हो, तो ये सारे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में लाए जाते हैं। और एक कंडीशन ये भी है कि इन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इस
विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाए गए हैं। तो आपको याद रखना है जो है पूर्व अनुमति से कौन कौन है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, नए राज्यों का गठन, उनका नाम सीमा इत्यादि में परिवर्तन, और संचित निधि से व्यय, और जो है भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक, कराधान संबंधी विधेयक, व्यापारिक स्वतंत्रता में कमी करने वाला संबंधी विधेयक, ये सारे विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में लाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो है ये विधायी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो विधेयक लाए जाते हैं वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से जो है वो कानून नहीं बनते हैं, और यह जो है कार्य जो है विधायी शक्ति के अंतर्गत, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। साथ ही राष्ट्रपति को जैसे संसद का सत्र न चल रहा हो, राष्ट्रपति को जो है यह भी अधिकार है कि संसद का सत्र न चल रहा हो और कानून बनाना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर दिया गया है अनुच्छेद 123 के तहत। ये जो है अध्यादेश, जिसे क्या कहा जाता है अध्यादेश, संसद का सत्र न चल रहा हो और कानून बनाना आवश्यक हो तो एक स्पेशल पावर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में दिया गया है, जिसे कहा जाता है अध्यादेश। और इस अध्यादेश जारी कर, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है जब संसद का सत्र न चला, जारी करता है, और उसका उतना ही महत्व होता है जैसे किसी कानून का महत्व होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि वह जो है जब संसद का सत्र शुरू होगा उसके छः सप्ताह के भीतर अगर संसद उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वो कानून बन जाता है, नहीं तो वो रद्द हो जाता है। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह संसद के शुरू होने पर। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, कब जारी करता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और कानून बनाना अति आवश्यक हो। ठीक, तो ये भी उसकी विधायी शक्ति है। साथ ही जो है सभी जितने भी आयोग हैं, एससी आयोग, ओबीसी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, इन सब के जो रिपोर्ट होते हैं उनको संसद के पटल पर संसद के समक्ष रखवाने का अधिकार भी जो है राष्ट्रपति को है, और यह विधायी शक्ति में आता है। तो हम लोग जो है देखें कि जो है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति जो है किस प्रकार होती है। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फालकम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।